नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल ऋषियांचल व्लॉग्स में। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम भी एकदम ठीक ठाक है। तो इस वक्त टाइम लगभग दिन के 12:01 बज रहे हैं और मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गई हूँ कहाँ जाने के लिए। कहीं जाने के लिए नहीं हुई भाई, आज मेरा फास्ट है। घर में सारा काम कुम करके मैं बस अभी फारिग हुई हूँ। घर में झाड़ू पोछा, कपड़े धोए, इतना सारा काम किया। इन लोगों को जो खा रहे हैं, इन लोगों को लंच कराया और बस अब मैं फ्री हुई हूँ तो सोचा थोड़ा सा व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो आज है मेरा फास्ट। फास्ट में ये लोग मेरे को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहे हैं ताकि मेरा व्रत भंग हो जाए। ये ऐसे सोच रहे हैं कि इसको अंदर से वो आएगी खाने की, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जिस दिन व्रत होता ना उस दिन ऐसा कुछ मन नहीं करता खाने का। तो ये देखो ये उधर जा रहे हैं, इधर वो भी तो ड्राई फ्रूट वाला था, वो भी चॉकलेट, वो भी खा सकते हैं। जिस चीज में ड्राई फ्रूट होते खा सकते हैं। व्रत में छाता लेके, देखो ये छोटा सा चाहता है शिव का। ये देखो क्या है ये, नहीं तो दवाई खा लो। दवाई ना ऋषु गले में फंसेगा, नहीं दांत मारता। तो आज मेरा फास्ट है ना, देखो ऋषु मेरी कितनी हेल्प कर रहे हैं। अभी दिखाती हूँ आपको, ये देखो मेरे लिए कपड़े लगा के दे रहे हैं। अगर धो के भी देते तो कितना बढ़िया रहता। मैंने ही धोया ये, ना तो तूने धोए। अच्छा और क्या, अब तो मैं कल वीडियो बनाऊंगी आपकी धोते हुए। जरा कैसे धोते हो आप कपड़े। तो ये देखो मैंने इतने सारे कपड़े धो दिए हैं। इन बेड शीट्स का तो ऐसे है कि हर तीसरे दिन ये तो धुलनी ही धुलनी है। इन बच्चों के साथ इन्होंने मेरे को दुखी कर दिया। तो अगर मैं मौसम की बात करूँ तो देखो आज मौसम काफ़ी हद तक बढ़िया है। ये थोड़ी देर पहले ही बढ़िया हुआ है। अभी तक तो इतनी ठंडी हवा चल रही थी और बादल भी काफ़ी थे। अभी बादल तो अभी भी है बट कुल मिला के ठीक ही है। धूप लगी हुई है, मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो बाकी के कपड़े मैं लगा दूंगी, आप ऐसा करो आप आरवी को लेने के लिए चले जाओ। तो देखो जी आरवी का तो ऐसा है, आ जाएगी अपने आप। आ जाएगी, पहुंचेगी। कहां से आ रहे हो आप, हैं किसके कपड़े है ये? दीदी के। तो ये देखो आरवी के कपड़े उठा उठा के आ गया। दीदी स्कूल गई, कहां गई है दीदी? कूट। आपने क्या किया, आप अंदर शरारते तो नहीं कर रहे थे? हैं? कर रहे थे आप शरारते? चाहता हूँ मैं आरवी को लेके आता हूँ, टाइम हो गया उसका आने का। तो जी आरवी भी आ चुकी है और बेचारी का आज टेस्ट हुआ है और पहुँचते ही शुरू हो चुके हैं इसकी क्लास घर में। देखो अभी तक स्कूल वाली मैडम ने क्लास ली, अब घर वाली मैडम ले रही इसकी क्लास बेचारी की। तो ये देखो जी पूजा पाठ शुरू हो गई है, मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। थोड़े जोर से पढ़, मन मन में पढ़ रही है। और ये है पूजा की थाली तैयार की हुई आंचल ने, और दिया जल चुका है। ये है हमारा मंदिर। तो आंचल को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, करने देते हैं पूजा और फिर दिखाते हैं भोग में अंजल ने और क्या क्या बना रखा है। तो ये देखो अर्शी की चरारते चालू है, कहाँ जा रहा है ये? पक्का ना मेरे पास आ रहा होगा क्योंकि मेरे हाथ में इसने मोबाइल देख लिया। जैसे मोबाइल देखा नहीं, फटाफट आया नहीं। देखो ये देखो इसकी हरकतें, गोडी छोटा बच्चा ही है, इसको कुछ ले लो, इसको कोई तो ले लो। अर्शिव किचन से ना बहुत ही मीठी मीठी खुशबू आ रही है, अच्छी अच्छी खुशबू, उसको सूंघ के ना और ज़्यादा भूख लगी है। चल देखते हैं ज़रा मम्मा क्या बना रही है। आ जा टेने, टेने, क्या बन रहा है? हलवा, आज बहुत टाइम बाद। तो खुशबू तो आ रही है, काई की आ रही है? आपको पता क्यों आ रही है अच्छी अच्छी खुशबू? मैं एक राज की बात बताती हूँ। व्रत मेरा पहले ही, परिशु ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। इन्होंने इसलिए नहीं खाया कि मेरा व्रत है, मैंने इनको सुबह ही लालच दे दिया। आज तो ना मैं कुछ खास बनाने वाली हूँ, भले तब तो मैं कहूंगा ही नहीं, बस दिन में वो चुटपुटा खा लिया थोड़ा बहुत। खाना तो खाया ही नहीं ऋषु ने आज। इसमें क्या जरा क्या बना रही है ये? और सेकंडली पता क्या है, एक दो दिन से कुछ तबीयत भी ढीली सी है, पता नहीं क्या बात हुआ है, बेचैनी सी हो रही है।
रात में सोते हुए, तो उस वजह से भी आज मैंने थोड़ा फास्ट रखा है, क्योंकि हो सकता है कई बार कुछ डाइजेशन सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा, तो थोड़े रह जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए भूखा, चाहे 12 घंटे के लिए भूखा रह जाओ, कम से कम थोड़ा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अपना नॉर्मल आ जाता है। तो व्रत के लिए व्रत भी हो गया, और व्रत तो क्या, मैंने तो बीच बीच में कुछ ना कुछ टेस्ट करता रहा, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, और चिप्स हो गए, एक पैकेट चिप्स का खाया गया आधा जैसा, ज़्यादा नहीं खाया, चार छः। हाँ वही तो मैंने गलती की यार, पर चलो क्या करना। तो अब आंचल को बनाने देते हैं खाना, मैं देखता हूँ अर्षिप को, क्योंकि अर्षिप बाहर अगर अकेला रख दिया तो कुछ ना कुछ बहुत बड़ी शरारत कर देता। अभी भी वहाँ वॉश बेसिन में चढ़ा हुआ था पानी गिरा रहा। हाँ वॉश बेसिन में। हाँ। और पता क्या किया उसने, गेस्ट रूम में गया, चेयर्स खींची, फिर पता वो जो गमले लगा रखे ना वहाँ पे शेल्फ के ऊपर, उनको निकालने के चक्कर में था। मैंने बोला इसको नहीं छूना, इसमें चीन लगता है, फिर जाके अब चुपचाप बैठा हुआ है। पता ना कुछ ना कुछ गलत कर रहा हो। ये देखो इसकी शरारत, आर्मी का बैग लटका दिया और सारी बुक्स नीचे फेंक दी इसने, और अब इसको आर्मी नहीं छोड़ेगी, अब दीदा आपको मारेगी क्योंकि आपने सारी बुक्स गिरा दी। दीदा कि ऐसा क्यों किया, क्यों करते हो आप शरारतें। तो मैं इसकी बुक्स रख देता हूँ बैग में, वरना इसकी बारी आएगी। तो जी अब भूख भी लगने लग गई है, पता नहीं कितनी देर है आंचल के, देखते हैं जरा क्या बोलती है। कितनी देर है आंचल, ये आप किस शिकायत बोल रहा है? इसको तो मैंने अभी कुटा है, कुट कुट के सीधा किया है। किसने मारा? बाथरूम में पानी गिरा रहा था ये तो शुक्र है उसके कपड़े गीले नहीं हुए। किसने मारा आपको? गंदा। कोई बात नहीं रिशु, बस हो गया, बस अब पूरी बनाने को लगी। आप बोल रहे थे ना क्या स्पेशल है, इधर आओ। अच्छा इधर दिखा दिखा, पूरी तो होती होती है ना, इसमें तो कोई स्पेशल नहीं है। आज है ये स्पेशल, बोलो गैस करो क्या है ये। ये है अरबी की सब्जी। किस तरह से बनाई है मैंने? जैसे बनाते हैं जो तड़के लगा के, ऐसे नहीं, इसमें तो, ये मैंने अच्छे से बनाई है, इसमें लस्सी डाल के, लस्सी। अच्छा लस्सी डाल के बनाई है। हाँ, और अगर आप इसको पूरी के साथ एक बार खा लोगे ना तो आप छोले भी भूल जाओगे, आलू भी भूल जाओगे, इतनी टेस्टी बनते हैं ये। अच्छा हाँ। तो चलो आज ट्राई करके देख लेते हैं। दो इसको अच्छा, दे दो अब पहले। अब अरबी की अर्षिप को दे दो जी, अब अर्षिप बनाएगा वीडियो। चल तू एक पूरी बना दे, कैसे कैसे बना रही पूरी जरा, तू फुला सकती है कि नहीं पूरी? मैंने तो घर में फुलाई थी, तू नहीं फुला सकती। लुको लुको अभी दे दो। अच्छा दीदी को उठा लो, अर्षिप दीदी सोई है ना, दीदी को उठा, फुला दी फुला दी, पर थोड़ी थोड़ी फुली आंचल, वैसी नहीं फुली, नहीं फुली है, पूरी फुली है अभी थोड़ी देर में। अच्छा ये देखो आ गई अर्षिप, खाना हो गया है रेडी, और मैंने सर्व कर दिया है बाल गोपाल। और ये देखो सबसे पहले ये खाएंगे, फिर मैं अपना व्रत खोलूंगी। ये देखो और इनके सामने पूरा थाल रख दिया है मैंने, पूरी का भर के। तो जी टेस्ट करके बताइए मेरा एक्सपेरिमेंट, आज नया नया एक्सपेरिमेंट कैसा रहा? वाव टेस्टी है, बनी ना टेस्टी, बहुत अच्छी बनती है ये। हमारे मायके में बनाते हैं ऐसे, इस तरह से, तो मैंने बहुत टाइम बाद बनाई है इस तरह से सब्जी और पूरी के साथ, इतनी टेस्टी बनती है ना भाई, क्या ही बोलूं। रुको इसकी बिब लगा दो, नहीं तो अभी सारे कपड़े गंदे करेगा। आरवी कैसा है बेटू, छोले पूरी ज्यादा टेस्टी होती है कि ये वाली सब्जी? नहीं आरवी, आपके पापा ने सिखाया ना आपको छोले पूरी तो होती है ना, पर हर चीज खानी चाहिए आरवी, बदल बदल के। आज हमारा खाना वाना हो गया था बहुत ही जल्दी, हमने खा लिया था कम से कम आई थिंक 5:30 बजे 6 बजे के करीब खा लिया था, क्योंकि आंचल का था व्रत और मैंने भी सुबह से कम शमी खा रखा था, क्योंकि तबीयत ढीली सी थी तो मैंने ज़्यादा आज खाया नहीं था, हल्का फुल्का थोड़े से 4 चिप्स मिल गए थे वो खाए, थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे, ड्राई फ्रूट्स खा लिए थे। तो अब ये देखो अर्षिप ने भी नहीं खाया था, आरवी ने भी खा लिया था, तो अर्षिप को अभी मैंने खाना वाना खिलाया है, तो एक घड़ी थोड़ी देर इसको घुमाने ले गया था और अब थक के आया है, अब एक घड़ी खाना खा के ये देखो कैसी कैसी मस्तियाँ कर रहा है, तो टीवी देख रहा है, टीवी में कोई सॉन्ग लगा हुआ है उसके मज़े ले रहा है। तो जी अब टाइम भी हो रहा है सोने का, और शायद ये भी जल्दी सो जाए, ये देखो इसको भी नींद आने लग गई है, क्योंकि जब ये ऐसे पास पास चिपकना शुरू कर देता है ना तो इसको नींद आने लग जाती है, बट अभी
इसको मेरे को लगता है यहीं सुलाना पड़ेगा अपने पास, क्योंकि अंदर पढ़ रहे हैं अभी आंचल और आरवी, क्योंकि आरवी का होमवर्क बाकी है, कल टेस्ट भी है उसका, तो उसकी प्रेपरेशन भी करा रही है आंचल। तो दिखाता हूँ मैं आपको क्या कर रहे हैं। तो ये देखो आरवी का चला हुआ है अभी भी होमवर्क, इसका होमवर्क अभी भी फिनिश नहीं हुआ है बेचारी का। अच्छा इतने में ही थक गया? हाँ तो आरवी इतना लिखना होता है तभी तो स्पीड बनानी होती है, तभी ट्राई करना होता है लिखना लिखना। अच्छा तो थर्ड क्लास में क्या हुआ फिर? सेकंड में 2 सेकंड में हो जाता था, थर्ड क्लास में मैं भूल गई। खाना खा लो भाई, खाना खा लो। अच्छा कितनी बार खाना? चल अभी तो खाया है, अभी भी वो पूरी है यही फंसी है, ऐसा लग रहा है अब उसके बाद कुछ खाना ही नहीं है। 8-10 ठीक ठीक लगा दे तू, ठीक ठीक 10 तो मेरे ख्याल से हम 5-4 ने खाई होगी पूरी, जितने हम 4 है। तो जी आज भी अभी पढ़ने लगी हुई, मैं संभालता हूँ घड़ी अर्शिव को। आज ब्लॉग बस इतना ही है, तो आज के ब्लॉग को करेंगे हम यहीं फिनिश। मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जो हमारे न्यू सब्सक्राइबर है वो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करके जाइएगा, और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हमारा न्यू ब्लॉग आएगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी और पता लग जाएगा कि न्यू ब्लॉग आ चुका है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं फिनिश। तब तक के लिए ओके, सी यू, टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि। तो आके बोल दिया गुड नाइट, बाय बाय, ची उठाता, गुड नाइट।